नमस्कार, मैं हूँ लीला। स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज का विषय है परमा काशी व्रत कथा। परमा काशी का व्रत 12 अगस्त को है। इस दिन आप भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करते समय परमा काशी व्रत कथा को जरूर सुने या फिर पढ़ें। जो व्यक्ति परमा काशी का व्रत विधि पूर्वक करता है और व्रत कथा सुनता है उसकी गरीबी दूर हो जाती है। भगवान श्री हरि विष्णु जी के आशीर्वाद से दान धान्य और प्रसिद्धि मिलती है। एक बार युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अधिक मास के कृष्ण पक्ष की काशी व्रत उसकी विधि और महत्व के बारे में जानना चाहा। तब श्री कृष्ण जी ने उनको परमा काशी व्रत के महत्व और उसकी कथा के बारे में बताया। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि अधिक मास के कृष्ण पक्ष के काशी को परमा काशी या पुरुषोत्तमी काशी कहते हैं। श्री कृष्ण ने परमा काशी व्रत की कथा कुछ इस प्रकार बताई। परमा काशी व्रत कथा। एक समय की बात है, कांपले नामक नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार के मुखिया का नाम समेधा था। समेधा और उसकी पत्नी धर्म कार्य करते थे। समेधा की पत्नी पतिव्रता स्त्री थी। वह अपने अतिथियों का सत्कार सेवा भाव से करती थी। जो भी उसके द्वार पर आता था वह उसका आदर सत्कार करती थी। संभ्या भूखे रहकर अतिथियों को भोजन कराती थी। एक दिन समेधा ने पत्नी से कहा कि धन कमाने के लिए उसे प्रदेश जाना होगा, जहाँ पर रहकर जितना धन मिलता है उससे परिवार चलाना काफ़ी मुश्किल है। इस पर उसकी पत्नी ने कहा कि मनुष्य को अपने भाग्य और पिछले जन्म के कर्मों के अनुसार ही फल मिलता है। यदि हमें गरीबी मिली है तो यही कर्म करें, जो ईश्वर चाहेंगे वही होगा। पत्नी की बात मानकर समेधा ने प्रदेश जाने का निर्णय त्याग दिया। एक दिन उसके घर कौंडल्य ऋषि पधारे। समेधा और उसकी पत्नी ने उनका सेवा सत्कार किया। उससे कौंडल्य ऋषि बहुत खुश हुए। उस दौरान समेधा और उसकी पत्नी ने गरीबी दूर करने के लिए कोई उपाय बताने को कहा, पर उस ऋषि ने दोनों को परमा काशी व्रत विधि पूर्वक करने को कहा। साथ में उनको परमा काशी व्रत की विधि भी बताई। उन्होंने कहा कि परमा काशी का व्रत रखने से पाप मिट जाते हैं, धन और वैभव की प्राप्ति होती है और जीवन के अंत में अच्छी गति मिलती है। इस व्रत को कुबेर ने भी किया था। इससे भगवान शिव प्रसन्न हुए थे। उन्होंने कुबेर को धनाध्यक्ष पद दिया। ऋषि कौंडल्य के बताए अनुसार जब अधिक मास का कृष्ण पक्ष आया तो समेधा और उसकी पत्नी ने विधि पूर्वक परमा काशी का व्रत रखा और भगवान श्री हरि विष्णु जी की पूजा की। ब्राह्मणों को भोजन कराया और दान दक्षिणा देकर विदा किया। उसके बाद उन्होंने खुद भोजन करके परमा काशी व्रत को पूरा किया। इस व्रत के पुण्य प्रभाव और भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से ब्राह्मण परिवार की गरीबी दूर हो गई। उन लोगों ने काफ़ी सालों तक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत किया। उसके बाद अंत समय में उन दोनों को उत्तम गति की प्राप्ति हो गई। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।